आज अपन बनाएंगे राजस्थानी हरी सांगरी की बहुत ही प्रसिद्ध सब्जी। हरी सांगरी की सब्जी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। 8-10 लहसुन की कलियां कूट के रखी हैं उसको भी इसमें डाल देंगे। एक प्याज को काट के रखा है उसको भी इसमें डाल देंगे और इसको आधा मिनट तक पकाएंगे। आधा मिनट हो गया है, अब हम इसमें हरी सांगरी को डाल देंगे और हरी सांगरी को डाल के करीब इसको 2 मिनट ऐसे ही पकाएंगे। पानी इसमें बिल्कुल ही अभी नहीं डालना है। राजस्थानी हरी सांगरी की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। अभी हम ये दही लिया है, इसमें से 100 ग्राम दही को अपन एक प्लेट में डाल के अच्छी तरह से फेंट लेंगे। TRC किचन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मैं भगोली में से 100 ग्राम करीब दही लिया हूँ। अब इसको चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से फेंट लेंगे। मैंने दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है। अभी इसमें मसाला ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और 2 चम्मच करीब लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके करीब 1 मिनट ऐसे ही मसालों को पकाएंगे। अभी हम वो दही फेंट के रखा था वो इसमें डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अभी हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया है। अभी दही डाल के इसको करीब और 1.5 मिनट तक पकाएंगे। आपको झोल वाली सब्जी पसंद है तो पानी डाल दीजिएगा और झोल वाली पसंद नहीं है तो पूरी दही में ही पकाइएगा। अभी मैं ये सब्जी झोल वाली बनाऊंगा। कटोरी में जो दही रह गया है उसको भी पानी डाल देंगे थोड़ा और सबको मिक्स करके इसमें डाल देंगे। ये राजस्थान की बहुत ही प्रसिद्ध सांगरी की सब्जी है। अब मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया है। पानी ऐड करने के बाद इसको करीब अपन 2 मिनट तक उबाल आने तक पकाएंगे। मैंने करीब इसमें 1 गिलास पानी यूज किया है। फाइनली सब्जी में उबाल आ गया है। सब्जी फाइनली बन के रेडी हो गई है। आप बनाइएगा सांगरी की स्वादिष्ट सब्जी। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में।